फोक्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट वेपन की जो आपके प्रोक्रेस्टिनेशन का दुश्मन और प्रोडक्टिविटी का बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। दोस्तों, कभी ये सोचा है कि टमाटर और काम करने का क्या लिंक हो सकता है? असल में 1980 में फ्रांसिस्को सिरिलो नाम के एक इटालियन स्टूडेंट ने टमाटर के आकार का किचन टाइमर इस्तेमाल करके एक कमाल की टेक्निक निकाली, पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में हम अपने काम को छोटे छोटे 25 मिनट के स्लॉट्स में बांटते हैं, जिन्हें हम पोमोडोरो कहते हैं। हर पोमोडोरो के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 4 पोमोडोरो के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लेते हैं। इतना आसान है, लेकिन ये छोटी सी आदत आपके काम करने का पूरा तरीका बदल देगी। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है। नंबर 1, अपने टास्क की लिस्ट बनाओ। पहले ये तय करो कि आप क्या करना चाहते हो, लिस्ट बना लो। नंबर 2, टाइमर सेट करो, 25 मिनट का टाइमर लगाओ और यही आपका पहला पोमोडोरो है। फोकस ऑन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के काम करो। अभी के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया सब भूल जाओ। एक पोमोडोरो खत्म होने पर 5 मिनट का ब्रेक लो, स्ट्रेच करो, पानी पियो। इस टाइम पे कुछ भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करो, बस मोबाइल को हाथ मत लगाओ। फिर से दूसरा पोमोडोरो शुरू करो और इसी तरह आगे बढ़ो। अब 4 पोमोडोरो के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लो और रिचार्ज हो जाओ। इसी तरह पोमोडोरो टेक्निक का यूज करो और अपने काम कंप्लीट करते जाओ।